हेलो गाइस, कानपुर के क्रैकर में आप सबका स्वागत है। हम लोग निकल चुके हैं किछौचा शरीफ के लिए। हम लोग का सफर निकल चुका है और फिलहाल हम लोग के लिए यहाँ पे चाय के लिए आए हुए हैं सब। तो चाय पी रहे हम लोग। जो बनी होटल था वो खत्म हो गया है और ये कोई प्रधान स्वीट्स उनके बगल में थे तो यहाँ पे आए हुए हम लोग। खस्ता ये खस्ता खा रहे हैं और ये बनी होटल था, खैर जो खत्म हो गया है। रात की टाइमिंग क्या हो रही है तो यहाँ पे होटल है। रात की टाइमिंग करीब 2 बज रहे हैं। हैशटैग लगा के डाल दो बनी होटल। हाँ टाइमिंग बता दी, लोगों को पता चल जाए, हमको निकल जाते भी आगे बता। वहाँ पे हम लोग ने चाय पिया है तो ये जो आप देख सकते हैं पीछे खत्म हो गया। वीडियो में आपको आगे भी दिख रहा होगा किस तरीके से डिमोलाइज हो गया पूरा। ये हमारे मामू है साथ में और ये लखनऊ में हम लोग आ गए। ये अमावसी पास पहुंचे हैं। यहाँ पे काफी जाम में फंसे हुए थे तो अब यहाँ से निकल रहे हैं। देख सकते हैं पीछे ट्रक था। समीर सेठ निकाल दिखा रहा है। समीर सेठ के नाम से एक ट्रक था। देखो दिखाओ, इधर दिखाओ, लखनऊ मेट्रो इधर दिखाओ। हाँ खाली रहने दीजिए, ये देखिए आराम के पिल्ले खड़े हुए हैं। ये पूर्वांचल एक्सप्रेस का रोड आप देख रहे हैं, कितना व्यू कितना अच्छा है पूर्वांचल एक्सप्रेस पे चलने के लिए। तो हम लोग अभी बस चलने वाले हैं। कुछ लोग फ्रेश हो रहे हैं, हमारे साथ के लोग हैं। ये हमारे जाहिद भाई हैं और हमारे मामू हैं, दोनों बैठे हुए हैं गाड़ी में, मोबाइल चला रहे हैं। गाड़ी स्टैंड पे खड़ी है फिलहाल और आप देख सकते हैं व्यू कितना अच्छा दिख रहा है यहाँ से। हाँ पूर्वांचल पे अगर आपको यहाँ से शॉर्टकट मिल जाता है जहाँ से आप बलिया का रूट पकड़ सकते हैं और भी काफी दूर के रूट आप पकड़ सकते हैं तो यहाँ से आसानी हो सकती है आपको। तो ऊपर चढ़ने से पहले पहले अपने फ्यूल जो है वो फुल जरूर कर लें, क्योंकि जब आप इसके ऊपर जब पूर्वांचल पे आप रोड पे चल जाएंगे तो उसके बाद आपको कोई भी पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। और यहाँ पे हम लोग गांव में आ चुके हैं, अकबरपुर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे चाय के लिए रुके हुए हैं, कुंदन स्वीट्स हाउस है कुछ, और ये हमारे कुछ लोग भाई लोग फ्रेश होने के लिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं गांव में एकदम सुबह के 5 बज रहे हैं, एकदम सन्नाटा है। ये गाड़ी आ रही है और गाड़ियां आ रही हैं, आप देख सकते हैं। चाय के लिए यहाँ रुके हुए हैं, चाय बन रही है। अरे वहाँ कैमरा लगा, इधर दिखाइए पीछे, देखिए चाय बन रही है भाई। क्या नाम, काफी ढूंढने के बाद एक दुकान मिली वो भी चाय की। तो अभी भी हम लोग को घर पहुंचते पहुंचते लगभग 1 घंटा और लगेगा। यहाँ गांव में हम लोग पहुंच चुके हैं और सुबह के 6:30 बज रहे हैं। मौसम आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है और यहाँ पे सोने की भी तैयारी करने जा रहे हैं। देखिए ये सब तैयारी करने जा रहे हैं सोने के लिए, तो रूम पे जा रहे हैं मतलब। तो यहाँ पीछे आप देख सकते हैं कितना कोहरा है। बहुत बढ़िया मौसम है, बहुत अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा लग रहा है। गाँव की हवा आप जानते हैं कितना बेहतर होता है। किछौचा शरीफ के ये हमारे हजरत मुख्तार अशरफी लाइब्रेरी है और ये हमारा खानकाह है। आप देख सकते हैं कि खानकाह देख सकते हैं, यह पार्किंग है और खानकाह का मेन गेट उस साइड है। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड से आप फ्रंट में देख रहे होंगे। और ये गेस्ट रूम वगैरह भी हैं और ये लाइब्रेरी है और यहाँ पे लंगर भी चल रहा है जैसे आप देख रहे हैं। और ये मस्जिद है, ये एंट्री का गेट है, ये मार्केट है। और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं मखदूम सिमनानी की बारगाह में सलातो सलाम पढ़ने के बाद फिर वहाँ से हम लोग घर के लिए रवानगी होंगे। तो आप देख सकते हैं मार्केट किस तरीके के, ये अंदर से शॉर्टकट से जा रहे हैं। काफ़ी टाइम हो चुका है, 3:30 बज रहे हैं शाम के। सरकार क्लर्क मखदूम सिमनानी की बारगाह में हाजिरी के लिए जाते हुए सीढ़ियों से।
ये नीर शरीफ का पानी, ये नीर शरीफ का पानी है जिसकी ज़्यादा जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है। आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं इसके ज़्यादा जानकारी के लिए, मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊँगा, तो आप सर्च करके देख सकते हैं इसके फ़ायदे कितने हैं। तो बाकी हमारे ये मखदूम पार्टी मजार शरीफ, ये आप देख रहे हैं। अब यहाँ से सलाम पढ़ने के बाद अब हम लोग रुखसत होते हैं, अब अपने सफ़र पे मुकम्मल होते हैं, अपने घर के लिए निकलते हैं। बस कुछ ही देर में चाय पीने के बाद हम लोग बस यहाँ से निकलते हैं, लगभग 4 बजे के आसपास से हम लोग यहाँ से रुखसत हो जाएंगे, तो लगभग 11 बजे के आसपास तक हम लोग घर पहुँच जाएंगे। यहाँ पे हम लोग सब हो गया है, तो एक लोग का वेट हो रहा है अभी, तो एक लोग हम लोग के साथ नहीं है, हमारे मामू, तो वो जैसे ही आते हैं तो हम लोग यहाँ से रुखसत होंगे। तो आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है। अब नीर शरीफ का पानी लेते हुए हमारे जाहिद भाई, और ये नज़ारा देख सकते हैं मजार शरीफ का। और ये नीर शरीफ पानी का भी नहीं पता है कि कहाँ से आता है, तो ये काफ़ी टाइम से है और इसमें काफ़ी चूई जो है मिक्स है। आप ज़्यादा वीडियो के लिए मैंने पहले भी बताया था कि आप YouTube पे इसका सर्च कर सकते हैं, जहाँ पे आपको पूरी डिटेल पता चल जाएगी। सिमनान से है ना, सिमनान शहर था उसका, सिमनान सी परेशान हो रहे हैं बार बार नहीं जब हमारे ड्राइवर साहब परेशान हो रहे हैं बार बार। हेलो गाइस, कैसे हैं? और यहाँ पे फ्रेश हो रहे हैं, ये पूर्वांचल का एक्सप्रेसवे है। मार्केट आ गया हुलुलुलू, जो कि एक हाइपर मार्केट है और सभी कोई जानते हैं, जो पिछले से कुछ कमेंट की वजह से ट्रेंडिंग में था किसी वजह से। तो ये देखिए, ये हुलुलुलू मार्केट है, तो आप देख सकते हैं हुलुलुलू, तो ये वही मार्केट है। सफर हुआ इख्तिताम की ओर और यहाँ पे आनंद भोग पे हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ पे अपना नाश्ता कर रहे हैं और कुछ लोग चाट ले रहे हैं, रसगुल्ले ले रहे हैं और भी बाकी चीज निकल रहा है 7 लोग। हाँ भैया, भाई
सफर मुकम्मल की हो रहा है लगभग। अब यहाँ से आधा घंटा लगेगा, हम लोग आनंद भोग पे हैं जो लखनऊ हाईवे पर पड़ता है, और हमारे सभी भाई लोग हैं, मामू लोग हैं और भाई लोग हैं, सब नाश्ता कर रहे हैं शाम का। मतलब कुछ लोग चाट खा रहे हैं और कुछ लोग कुछ खा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। तो वीडियो भी लगभग खत्म की हो रहा है, एक शॉर्ट का वीडियो और होगा तो फिर उसके बाद वीडियो खत्म हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं चाट में मतलब खा रहे हैं यहाँ पे, तो क्योंकि बनी का जो था वो जो रेस्टोरेंट था वो डिमोलिश हो गया है, तो गिरा दिया गया है, तो उसके बाद अब हाँ जिसको सीधे लफ्जों में का इंतकाल हो गया, तो उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे आके अब यही हमारा रेस्टोरेंट बचा है, तो इसी को इसलिए यहाँ पे आए हुए हैं। हे गाइस, और यहाँ पे वीडियो होती है मुकम्मल। हम लोग पहुंच चुके हैं घर, और वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे कुछ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।